हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि वाटर साइन पाइसिस के लिए यानी कि मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है अगला 7 दिन यानी और नेक्स्ट 7 डेज इन लव वर्क मनी हेल्थ कुछ भी निकल के आ सकता है। तो पाइसिस के लिए कैसा होने वाला है अगला 7 दिन वो हम देखेंगे और साथ में हम बताएंगे कि आपके करियर के बारे में भी और लव रिलेशनशिप्स के बारे में भी ये सब चीजें भी बताएंगे हम। और डिटेल रीडिंग मैंने मंथली डिटेल रीडिंग करने कर दी है जुलाई के लिए, वहां आप जाके डिटेल रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन अभी है अगले 7 दिनों की रीडिंग, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करे उसको रखें, जो रेजोनेट ना करे किसी दूसरे के लिए छोड़ दें। न्यू टॉपिक्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां हमेशा से ही नए टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड होती है और अपने जरूरत के अनुसार से वीडियो देखें और उसका लाभ उठाएं। तो देखते हैं कि मीन राशि यानी पाइसिस के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ वैंड्स है। पहले टैरोट से देखेंगे, फिर बाकी डेक से भी दो दो कार्ड लेंगे। फिर है आपका द हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस एंड थर्ड वन इज पेज ऑफ वैंड। पावरफुल रीडिंग होती जा रही है, लेट्स सी। और देखते हैं अगला कार्ड क्या है। 4 कार्ड हम लेंगे एंड है यहाँ पे आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ हम बताएंगे आपको कि कैसा रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज काफी बिजी रहने वाला है, ये तो क्लियर हो गया है कि बिजी रहेगा, काफी बिजी रहेगा आपका नेक्स्ट 7 डेज। बहुत सा परेशानी, कुछ परेशान भी रहेंगे आप काम को लेके, या कुछ काम नहीं बनेगा उसको लेके लगातार काम करते रहेंगे और कुछ परेशानियां होंगी। और 24/7 भी कुछ लोग काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस के बारे में वरीड रह सकते हैं। कुछ काम कंप्लीट करने को लेके भी आप पे प्रेशर रहेगा, ऐसी संभावना है यहाँ पे। और बर्डन रहेगा, बोझ रहेगा काम का, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रह सकती है जिसको पूरा करने में आप लगे रहेंगे। अगले 1 वीक तक हार्ड वर्क करते रहेंगे कंप्लीशन के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कुछ चीज कंप्लीट करने के लिए। वो चीज कुछ भी हो सकती है, वर्क मनी जॉब कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा काम जो आपने हाथ में लिया है और उसको करने के लिए आप बेचैन हैं और मेहनत लगातार किए जा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेच भी आएगा। एंड स्ट्रेच एंड स्ट्रेस दोनों आएगा। एंड स्ट्रगल थोड़ा है, ओवरलोडेड काम का है तो स्ट्रगल तो रहेगा ही। एंड कठिन परिश्रम रहेगा अगले वीक आपके लिए, हार्ड वर्किंग रहेगा। कुछ काम जो डिले हो रहा है उस पर आपको थोड़ी सी परेशान रहेंगे उसको लेके, डिले काम बन नहीं रहा है और आप काम किए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वैसा थोड़ा सा आप फोकस को लॉस्ट कर सकते हैं। मेजर चैलेंजेस हैं आपके पास, बट आप कीप गोइंग रहेंगे, यानी कि आप हार्ड वर्क करते रहेंगे और हार्ड वर्क करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो नेक्स्ट 7 डेज में रहेगा। आगे देखते हैं क्या है कार्ड में। हाई प्रिस्टेस, किसी समस्या का हल निकल जाएगा आपका, किसी के लिए किसी समस्या का हल निकल जाना तय है। हाई प्रिस्टेस है, कुछ चीजें आपको पता नहीं चल रही है लेकिन वो चीज आपको बहुत जल्द पता चलने वाली है। कोई चीज छुपी हुई है, किसी की छुपी हुई भावनाएं भी आपको पता चल सकती है। हो सकता है कोई आपसे प्यार करता है या करती है, तो कुछ सीक्रेट्स उजागर होंगे। उनकी इंटेंशन और इंट्यूशन दोनों ही पता चलेगी आपको। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा बट अपने इनर वॉइस की सुनिएगा नेक्स्ट 7 वीक और काफी कुछ आपको पता चलने वाला है नेक्स्ट वीक में। जहां कुछ लोग के लिए हार्ड वर्क है तो कुछ लोग के लिए समय है स्पिरिचुअल बने रहने का नेक्स्ट 7 डेज। पूजा पाठ भी कीजिए, आप जिस रिलीजन से भी ताल्लुकात रखते हैं पूजा पाठ कीजिए। और कुछ ना कुछ नॉलेज जो आपको ज्ञान होने वाला है, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलने वाला है। एंड थोड़ी सी बुद्धि से काम लेना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ उजागर होता हुआ, कुछ मिस्ट्री उजागर होता हुआ, कुछ सच्चाई किसी की पता चलने वाली है। तो बिल्कुल भी आप साइलेंट रहिएगा और देखिएगा कि पेशेंस रखना जरूरी है आपको। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए और आपकी इनर वॉइस आपको सफलता दिलाने वाली है। कुछ ना कुछ है जो आपको आपके फेवर में जाएगा और आप अपने ट्यूशन से उस चीज को जान पाएंगे। पेज ऑफ एंड है, पेज ऑफ एंड अगेन आपके दूरदर्शिता को दिखाता है। नेक्स्ट 7 डेज में काफी सारे लोग कुछ एक्साइटमेंट से भर जाएंगे, एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं। हो सकता है छोटी मोटी मिनी ट्रिप, ट्रैवलिंग ट्रिप बना लें आप लोग आगे के लिए।
एनर्जेटिक रहेंगे कुछ लोग, तो कुछ लोग बिल्कुल भी निडर रहेंगे। और ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट आता है पल भर के लिए और फिर चला जाता है। तो एक्साइटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी चीज बैलेंस में करना होगा आपको। और कोई डार्क मैन या वीमेन आपके लाइफ में आ सकती हैं, कुछ ना कुछ उजागर जो हो रहा है प्यार को लेके, तो किसी के लिए कोई प्यार का ऑफर आ सकता है या कोई पर्सन अपीयर हो सकता है, और वो पर्सन भी इन सर्च ऑफ यंग मैन या वुमेन है। तो ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया पे जानने समझने की कोशिश या मिलने जुलने की कोशिश कर रहा है, आपसे आपके बारे में पता कर रहा है। तो यहाँ पे प्यार की तो वाइब मुझे आ रही है, एक लवर की वाइब आ रही है। तो ये जो वाइब है आपको एक लव ऑफर के रूप में मिल सकती है। एंड एंड ऑफ द डे आपको परेशानियों से निकलना है, जहां आपको काम का बोझ है, कुछ सच्चाइयां जो पता चल सकती हैं आपको, स्टॉक किए जा रहे हैं। तो यहाँ एक ऐसी वाइब भी है, ट्रैवलिंग की वाइब मुझे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है और सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये इंसान आप देख रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ जा रहा है कहीं पे। तो आप अपनी फैमिली के साथ भी कहीं प्लान कर सकते हैं जाने के लिए, ये बात मैंने बता दी है इस कार्ड से भी। तो कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स जरूर हैं, और किसी समस्या से भी निकलने के यहाँ पे चांसेस हैं, इसकी पूरी संभावना है। हो सकता है आप लोग किसी समस्या से घिरे हुए हों, वो समस्या पैसों की हो सकती है, लव रिलेशनशिप की हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपके लाइफ में चेंज आने वाला है और आप समस्या से बाहर निकलेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि स्पिरिट गाइड आपके साथ है, आपके जो स्पिरिट गाइड है, हो सकता है कि वो एंसेस्टर की स्पिरिट हो या कुछ अच्छी आत्मा आपके करीब रहती है, वो आपको गाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे, सपोर्ट करेंगे, जिससे आप ना सिर्फ समस्याओं से निकलेंगे बल्कि आपको कुछ फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है अगले 7 दिन में। एंड बिल्कुल आप शांत रहेंगे, पेशेंस से काम लीजिएगा, और कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप्स हैं तो वहाँ पे भी जुड़ते हुए संबंध नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाने का प्लान है, ये तो क्लियर है। कुछ पास्ट रिलीज कर सकते हैं आप, बैगेज जो है पास्ट का, कुछ चीज जो टॉक्सिक था या कुछ चला नहीं, उस चीज को भी रिलीज करते हुए नजर आ रहा है मुझे। पास्ट का बैगेज रिलीज हो जाएगा आपका नेक्स्ट 7 डेज में, चेंज आएगा, और बिल्कुल चेंज ऐसा आएगा कि आपके लाइफ में वो चीज़ वर्क करेगी, वो चेंज, और लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, चाहे वो किसी प्रोफेशनल चीज को लेके हो या पर्सनल चीज को लेके हो। तो ये हमने देखा कि टैरोट से है, बाकी भी 2 डेक से हम 2-2 कार्ड लेके देखेंगे कि पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए क्या कुछ है। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो लोग वाटर रिलेटेड फील्ड में है या जॉब में है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज अच्छा है, या उस क्षेत्र में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, नेक्स्ट 7 डेज में मन बना सकते हैं। टीचर्स के लिए भी अच्छा समय है, और मीडिया रिलेटेड जॉब भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आपकी लाइफ में इकोनॉमिकली। और सेलर्स और डिफेंस एंड पॉलिटिशियंस हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। और पानी से संबंधित काम, जैसे कि फिशर्स हैं या शिपिंग पे हैं, शिप पे हैं, तो वहाँ भी आपका एक अच्छा समय बीत सकता है नेक्स्ट 7 डेज। तो लेट्स बिगिन विद अदर कार्ड्स, लेट्स टेक 2 कार्ड्स फॉर पाइसिस मीन राशि, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। जेमिनाई का कार्ड आया है, न्यू मून जेमिनाई का कार्ड, तो हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील करें, हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो। कम्युनिकेशन इसकी, तो कम्युनिकेशन बनाए रखिएगा, रिलेशनशिप के मामले में कम्युनिकेशन बनाना जरूरी है। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में डील कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अपने जो भी आसपास के लोग हैं वहाँ से कम्युनिकेशन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन की होता है सक्सेस के लिए। 1 मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं, फिर से जेमिनाई का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जेमिनाई से ही डील करेंगे आप नेक्स्ट 7 डेज में। द आंसर यू नीड आर कमिंग, यहाँ से इस कार्ड से भी पता चल रहा है कि कुछ आंसर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ चीजों का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, जो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। तो यहाँ मिलते जुलते कार्ड है,
और हम लास्ट का टू कार्ड देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। लास्ट का टू कार्ड पाइसिस के लिए, मीन राशि के लिए क्या कुछ है, लेट्स सी क्या कुछ है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक चांस मिलेगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए और सक्सेस लाने के लिए। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, एक चांस मिल रहा है फिर से अपना आगे की लाइफ को रिवाइव करने के लिए। तो अच्छी है, नेक्स्ट 7 डेज अच्छा है अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी। लेट्स सी वन मोर एंड लास्ट कार्ड, व्हाट विल एंजल टेल यू अबाउट नेक्स्ट 7 डेज। रोमांस, तो रोमांस आ रहा है एंड ये रोमांस आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में। तो रोमांटिक पीपल्स के लिए या सिंगल पीपल के लिए नेक्स्ट 7 डेज अच्छा होता जा रहा है, तो डोंट वरी। एंड फिर मिलते हैं मीन राशि। ओम नमः शिवाय।